गुरु गोविंद सिंह के पर्व में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व जनपद रायबरेली में मनाया गया। हर वर्ष शाम को एक बड़ी शोभा यात्रा शहर में निकाली जाती थी, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन इसकी अनुमति नहीं थी। प्रशासन ने शोभा यात्रा के लिए सुबह 7 से 11 तक का समय निर्धारित किया। वहीं सिख समाज के लोगों ने प्रशासन की बात को मानते हुए सुबह 7 बजे शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा गुरुद्वारे से निकलकर घंटाघर, सुपरमार्केट, हाथी पार्क, अस्पताल चौराहा होते हुए गुरुद्वारे पर समाप्त हुई। हर वर्ष यह शोभा यात्रा शाम को धूमधाम से निकाली जाती थी। शोभा यात्रा में गुरु गोविंद सिंह से संबंधित झांकियां भी थी, एवं इस बार शिव गुरु ग्रंथ साहब को एक रथ में सजा कर निकाला गया। मंदिर सिंह सलूजा सदस्य गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा हमारे साथ हैं। खजांची साहब हमारे कैश का कार्यभार देखते हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। एक लंबे समय से इनका योगदान गुरु सिंह सभा को सेवाएं प्राप्त हो रही हैं। सरदार हरचरण सिंह जी प्रोग्राम मनाया गया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पावन पवित्र प्रकाशोत्सव श्री गुरु सिंह सभा रायबरेली द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष मनाया जाता है। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी ये आयोजन यहाँ पर रायबरेली में संपन्न हो रहा है, जिसमें संगत का उत्साह देखने को मिल रहा है। कोरोना काल की वजह से इस वर्ष कार्यक्रम में थोड़ी तब्दीली की गई। कार्यक्रम की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा हमें प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक की मिली थी, उसी के अनुसार हम लोगों ने नगर कीर्तन का आज यह कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न कराया है, जिसमें रायबरेली की संगत ने पूरा पूरा योगदान दिया है। और विशेष योगदान इस बार गुरु सिंह सभा ने लिया है युवा पीढ़ी का। एक नया संगठन हमारी युवा पीढ़ी ने तैयार किया है, जिसका नाम इन्होंने रखा है सुप्रीम यूथ सिख सोसाइटी। इनको ये गुरु सिंह सभा ने कार्यभार इस बार सौंपा था कि वो अपनी देख रेख में इस आयोजन को संपन्न कराए। हम उन बच्चों को बहुत बहुत उत्साहवर्धन करते हुए बधाई देते हैं कि उन्होंने बहुत शॉर्ट पीरियड में कल शाम को 5:30 बजे हमें अनुमति मिली जिला प्रशासन की, और एक दिन में इतना अच्छा कार्यक्रम उन लोगों ने संपन्न कराया। इसके लिए गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा की तरफ से हम यूथ कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम अपनी संगत को, रायबरेली की नगरवासियों को, जनपद वासियों को श्री गुरु सिंह सभा रायबरेली की ओर से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पावन पवित्र प्रकाश उत्सव पर बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। और रायबरेली जगत में हमारे जो भी नागरिक हैं, सब संपन्न हो, निरंतर प्रगति की ओर जाएं, गुरु साहब से हमारी यही अरदास है आज इस अवसर पर। कल इस संबंध में गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में विशेष दीवान सजेगा। प्रातः से ही सुखमनी साहब का पाठ होगा, उसके बाद हमारे बाहर से आए हुए रागी जत्था, हुजूरी रागी जत्था रायबरेली का, और हमारे ग्रंथी जी जगरूप सिंह जी शामिल होंगे, कथा विचार होंगे, कीर्तन होगा, सबद विचार होंगे, और मनोहर गुरबाणी से संगत को निहाल किया जाएगा। हम सभी नगरवासियों से अपील करते हैं कि कल के इस आयोजन में यहाँ पर शामिल हों। उसके बाद दोपहर 1 बजे लंगर का भी आयोजन है, देर रात तक भी प्रोग्राम चलेगा। सभी हम रायबरेली वासियों से, जनपद वासियों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं, और संगत से हम ये अपील करते हैं कि आज जिस तरह आपने उत्साह का परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम को सफल बनाया है, कल के भी आयोजित कार्यक्रम को आप सब सफल बनाएंगे। धन्यवाद। रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट, UP24 न्यूज़।